पेरिस जाना काफी नहीं था, नहीं था। हमने वो दिन बहुत अच्छी तरह गुजारे। बदतमीज लड़की, जैसे भी गुजरे हो हमें बताने की क्या जरूरत है? हाँ, जाहिर सी बात है ना, मुझे सुना रही थी वो। उसका मकसद ही मुझे तंग करना है और कुछ नहीं। तुमने पेरिस जाना था, तुम दमीर के साथ चली गई। अब हमारा काम क्यों रोक रही हो? हमें अपना काम करने दो, पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो हमारा? दमीर के साथ दो दिन पेरिस में क्या गुजार लिए? उसे लगता है पूरी दुनिया जीत ली। पता नहीं उस औरत से कब जान छूटेगी हमारी। आराम से सिली। तुम कब आए दमीर? जब से तुमने शोर करना शुरू किया तब से। मुझे नहीं मालूम तुम ये शोर क्यों कर रही थी, मगर शुक्र है कि घर पहले जैसी हालत में तो आ गया। अच्छा किया तुमने। पहले जैसा नहीं, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। मैं अब सोने जा रहा हूँ सिलीन। तो पेरिस में बहुत मजा आया? हाँ ना, बहुत मजा आया। चलो अच्छा है। अपना दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ दो तुम। दमीर, क्या तुम कुछ नहीं बताओगे? सिलीन, आज तुम सारा दिन मेरे साथ ऑफिस में थी, तुमने देखा था ना? हाँ। तो यिल्दिरम साहब को जो कुछ बताया वो सुना नहीं तुमने? हाँ। कि हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही, लोगों पर उसका अच्छा असर हुआ, इससे हमारी कंपनी का नाम और ताल्लुकात दोबारा अच्छे हो जाएंगे। तुम्हें अंदाजा है इन चीजों का? लेकिन तुमने कोई भी वजाहत नहीं दी। प्रेजेंटेशन किसके साथ थी, कितने लोग थे वहाँ, प्रोजेक्ट में क्या अच्छा लगा उन्हें, क्या कहा उन्होंने? हमें तो बस इतना पता चला है कि तुम्हारा और लारा का वक्त वहाँ बहुत अच्छा गुजरा, बल्कि इतना अच्छा गुजरा कि यहाँ आकर छुट्टी का इंतजाम कर लिया। जाहिर सी बात है, अब तुमसे दूर रहना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा ना? जबरदस्त, इस घर में खुशामदीद दमीर, क्योंकि इस घर में कुछ नहीं बदला, आज भी वही पुरानी बहस हो रही है। सही कहा, तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, हमेशा की तरह जवाब दिए बगैर भाग रहे हो। मुझे नींद आ रही है सलीम। हाँ, जाकर सो जाओ दमीर। खुडूस। आ